उसमें लायक माने रही। अच्छा, अब ऐसा था कि जैसे हमने लास्ट टाइम देखा अभी कि बूटस्ट्रैप के अंदर हमने जो है वो अलग से उसको बिल्कुल बेसिक से हमने ट्राई किया था और उसको हमने अलग अलग करके परफॉर्म करके देखा था। बेसिक्स एग्जाम्पल थी जंप और ट्रॉन के साथ। अब हम क्या करेंगे, हम बूटस्ट्रैप कंटेनर्स को पढ़ेंगे, किस तरह से हम कंटेनर कितनी किस्म की टाइप्स होती हैं और वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले वाले को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि ऊपर वाला मैं जो इसके लिंक्स हैं वो मैं दोबारा ऐड नहीं करवा रहा, मैंने पहले कर लिए थे वही ना। ठीक है, और मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ उसका, उसका नाम मैंने दे दिया कंटेनर्स, ऐसे दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ आते हैं बॉडी के अंदर। बस मैंने जैसे कि एक डिव बनाई हुई है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आके एक डिव बनाई, डिव क्लास, और इसका नाम मैंने दिया कंटेनर। ठीक है, कंटेनर, और यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, P3 मैंने यहाँ पे यूज किया और मैंने आगे दिया P3 माई, यहाँ पे आके आप लगा दें -3, साथ में आप दे दें इसको बॉडी और डिफ को कर दें क्लोज, इसे क्लोज कर दें। इसके अंदर आए और यहाँ पे आके आप एक हेडिंग लगा दें, हेडिंग अप्लाई करें, यहाँ पे क्लोज कर दें और मैंने यहाँ पे दे देता हूँ लेट्स सपोज के HTML दोबारा। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ मैंने ऊपर से कॉपी कर दिया। ठीक है, ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, मैं इसको सेव करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ, तो ये मेरे पास ऐसा आएगा। ठीक है, ये देखिए बॉर्डर भी अप्लाई हो गया और मेरे पास यहाँ पर टाइटल भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो जाए, मैं क्या करता हूँ इसी को कॉपी करता हूँ, पूरे को कॉपी कर लिया, यहाँ लाके पेस्ट किया, और अब क्या कर देंगे बाकी सब कुछ ऐसे ही रखें। इस बॉर्डर से पहले ये मतलब हमारे पास जो ये बॉर्डर लिखा हुआ है, इस बॉर्डर को यहाँ से रिमूव कर दें I3, और यहाँ पे कर दें BG डार्क, मतलब बैकग्राउंड कलर डार्क, ऐसे ही दिया आपने। और इसको टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट है वो हम कर देंगे वाइट ताकि वो नजर आ सके, ऐसे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखिए इस तरह से आ। ठीक है, तो देखिए हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ रहा और कोड हमारा बहुत आसान हो चुका है, समराइज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मैंने दोबारा इसको पेस्ट किया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको, इसके अंदर मैंने यहाँ पे आके कर दिया बैकग्राउंड इसका BG डैश प्राइमरी, और मैंने इसको भी टेक्स्ट दे दिया कि इसका टेक्स्ट हो जाए वाइट। वाइट, और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, तो देखिए नीचे आपके पास ये बैकग्राउंड कलर इसका फोटो में आ, तो ये चीज कहती है बूटस्ट्रैप के कंटेनर्स थे जो कि आप इसको अप्लाई करते हो, तो उसमें अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आगे कर सकते हैं। तो ये था बूटस्ट्रैप का कंटेनर।